पावर नैप लेके बहुत ही बढ़िया, मेरे को तो अच्छा ही लगता है हमेशा। ये मैंने अपने लिए लिया था, तुमने दिए? नहीं 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 एंकी नहीं। गाइस ये मैंने अपने लिए लिया था, इसमें मैंने तो बहुत कम पिया है, एंकी ने ज्यादा पिया है। और बाय द वे जब मैंने ये लिया तो एंकी ने अपने लिए फर्स्ट टाइम लिया था, स्टारबक्स लिया था। स्टारबक्स मुझे पसंद है, कॉस्टा मुझे नहीं। मुझे स्टारबक्स ये चाची गुस्सा क्यों हो रही है पीछे? मुझे नहीं पता है, बस सोना था, अच्छा खासा चीज चल रहा है। मुझे कचर कचर। वैसे बस हम पहुंचने ही वाले हैं हाफ एन आवर में। अनाउंसमेंट हुआ? हाँ बस पहुंचेंगे। अच्छा आ गया स्टेशन, यहाँ से उतरेंगे इस साइड से, जल्दी पहुंच गए। ऑलराइट सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं और हम निकल रहे हैं। हाँ हाँ आ रही है आंटी की, तो जोर से चिल्ला रही थी एंकी। और ये हमारी ट्रेन जो कि बहुत, अतुल का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, उसने लिखा वंदे भारत। वंदे भारत अपने इंडिया में जो नई ट्रेन चल रही है ना सुपर फास्ट, उसके जैसी दिख रही है। हाँ सिमिलर ही है, व्हाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन है। हाँ ठंड है थोड़ी सी। हाँ अच्छा लग रहा था यार, अच्छी लग रही है उसमें। हम अभी उतरे हैं, हम जिस ट्रेन में बैठे थे हमें उस ट्रेन ने उतारा है लंदन ईस्टर्न। और अभी यहाँ से हमारा जो होटल है जो हमने बुकिंग की हुई है वो है मेन लंदन ब्रिज के, टावर ब्रिज के, हाँ टावर ब्रिज के आसपास ही है, 500 मीटर के आसपास है हमारा होटल। ये तुम्हारा एक्साइटमेंट बोल रहा है। सो या लिसन गाइस, सो अभी लंदन ईस्टर्न से हम निकल रहे हैं, एक और ट्रेन लेंगे यहाँ से जो हमें पहुँचाएगा टावर ब्रिज। तो यहाँ से वो 10 या 15 मिनट्स लगेंगे हमें पहुँचने में, तो बस अभी हम वहीं जा रहे हैं टूवर्ड्स। यस गाइस वेदर कुछ ऐसा है आज, क्लाउडी है, थोड़ी सी बारिश हो रही है। और अभी हम बस अपने स्टेशन से बाहर ही निकले हैं और जा रहे हैं टूवर्ड्स। मुझे वो रेड वाली बस दिख गई गाइस, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये रेड वाली बस की बात कर रही थी, अगर अगर टाइम मिला हमें तो हम इस पर भी बैठेंगे। देखिए अब देख, अब आपको दिख रहा होगा मेरा एक्साइटमेंट लेवल हाई। मैं क्या इतना एक्साइटेड, तुम बहुत हो अभी। बहुत ज्यादा सुंदर है गाइस लंदन, मतलब ये अभी हम जस्ट मेन लंदन सिटी पहुँचे ही है और टूवर्ड्स अपने होटल जा रहे हैं। और जब ये एरिया इतना अच्छा लग रहा है तो वो जो 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 डेस्टिनेशन हमने सोचा है कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे वो तो कितना अल्टीमेट होगा, मतलब है ना एंकी? बिल्कुल
बहुत ही ज्यादा अच्छा मजा आने वाला है और क्लाइमेट भी अच्छा हो गया ना। क्लाइमेट अच्छा बट बारिश है हल्की हल्की, बट ये स्ट्रीट भी बहुत सुंदर है गाइस। अभी तो खैर बारिश हो रही है इसलिए कोई ज्यादा है नहीं यहाँ पर, बट इट्स ब्यूटीफुल गाइस। एंकी को पता है कि मुझे ना हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है, तो यहाँ पर एंकी मेरे लिए ले रहा है हॉट चॉकलेट और अपने लिए भी, और हमने साथ में क्रोसॉ भी ले लिया। क्रोसॉ तो बनता ही है ना केजी, क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही थी। अभी होटल जाएंगे, फिर शावर वगैरह लेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर खाना खाएंगे, वो सब करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए भी थोड़ा फटाफट से कॉफ़ी ले लेते हैं। थोड़ी गर्म है, थोड़ी देर में कितनी। फाइनली हम आ चुके हैं अपने होटल रूम में और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 5 बज रहे हैं शाम के। हम 4 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए थे, फिर हमने थोड़ी सी स्नैकिंग की, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब शावर लेके रेडी हो गई हूँ, चेंज वगैरह कर लिया है। प्लस पॉइंट ये है इस होटल का कि ये एकदम बीचों बीच है लंदन के, मतलब हमें लंदन ब्रिज या फिर और कहीं कहीं भी जाना हो तो हम एकदम बीच में हैं। सो अभी हम बस रेडी होके निकलते हैं। अभी मैं थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लेती हूँ, शक्ल ठीक कर लेती हूँ अपने, फिर हम निकलते हैं बाहर घूमने, एक्सप्लोर करने। और वेदर गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं पहुंची थी तब बारिश हो रही थी, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, और अब थोड़ी सी धूप आ गई है तो बड़ा मजा आने वाला है। की मस्त लग रहा है शूज है ना। हाँ अब आया ना रूप निखर के लौंडे का, कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन? वेरी नाइस, ये सही है। यू ऑलवेज लुक हैंडसम वैसे भी। थैंक यू। ये आजकल नया स्टाइल आ गया, तुमने मुझे भी सिखा दिया है। आजकल सभी लोग कर रहे हैं ना, वो नहीं करता था अपने टॉम मिल्स जब भी क्रॉस करता है। हाँ शूज अच्छे लग रहे हैं। शूज अच्छा है? यस ठीक है, मेरे को कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है आज के लिए। अच्छा है ना, तुम्हारा भी अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। और ठीक मेरे सामने है, मतलब मेरी आंखों के सामने है द आइकॉनिक टावर ब्रिज। वो देखो आइकॉनिक टावर ब्रिज, वो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये है, अभी नजदीक जाके दिखाऊंगी अच्छे से। और गाइस केजी यहाँ पर हो गई है लॉस्ट पूरी, ये टावर ब्रिज की ब्यूटी देख के ये भूल ही गई ऐसे कि शूट भी करना है। क्यों केजी, तुम भूल गई ना कि तुम्हें शूट भी करना है? सुंदर तो है ये ब्रिज ही, बहुत ज्यादा प्रीटी है, बहुत शानदार है। पता है पहले ये खुलता भी था बीच में से। हाँ और देखो इन्होंने अभी वो लगा रखा है, एक वहाँ पर इनका एक वॉर शिप है जिसको अपन जाके देख सकते हैं कि अंदर। हाँ ये कहाँ है ये वाला? हाँ इसको जाकर अपन विजिट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसा होता है अंदर से वॉर शिप। तो आपको कैसा लगा लंदन आके पहली बार ना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ हम बहुत अच्छा हो जाएंगे। हाँ हम लकी है कि हमें अच्छा वो वेदर मिल गया। हाँ। बारिश थी वैसे तो। चलो हवा में उड़ते जाए। चलो काफी वॉइस ओवर देना पड़ेगा, हवा इतनी तेज है यहाँ पे। हवा तो बहुत तेज है। ऊपर हेलीकॉप्टर, वाओ गाइस लुक एट दी हेलीकॉप्टर। वैसे तो सबने ही देखी होगी हेलीकॉप्टर, इनका आर्मी वाला है। हाँ बट ये आर्मी हेलीकॉप्टर है गाइस यहाँ पर। और ये आ रही है एंकी, ये क्या है? ये शिप है, ये क्रूज चलता है ना इनका, वो है ये क्रूज चलता है, ये पूरे ट्रिप कराता है पानी वाला। एक घंटा बिता लिया ब्रिज में आराम से, पता ही नहीं चला टाइम का। हाँ एक घंटा बिता लिया गाइस हमने ब्रिज में, और अभी भी ऐसा लग रहा है नहीं और टाइम स्पेंड करना है। हमने लिटरली इतनी सारी फोटोज खींची है, इतनी सारी इसकी कांट इवन टेल यू, और बस अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं गाइस ये वाली लेन में, अभी हम बस यहाँ से निकल ही रहे हैं। और एंकी पता नहीं वहाँ क्या पढ़ रहा है, एक बार देखती हूँ। एंकी क्या पढ़ रहे हो? अरे इसके बारे में, ब्रिज कब बना था, क्या हुआ था, हिस्ट्री। हाँ तो ये 30 जून 1894 को बना था, मतलब ये ओपन हुआ था सैटरडे को 1894, मतलब काफी साल पहले। काफी क्या, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले ये ब्रिज बना था। बट पता है अच्छी बात क्या है, बहुत अच्छे से मेंटेन रखी हुई है यार इस ब्रिज को अभी भी। नहीं रुक गई, मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर अपनी फोटोज और वीडियोज, फोटोज लेने के लिए और
बहुत सारी गाइस। देखिए अभी हम वहाँ उस ब्रिज में थे और ब्रिज से उतर के यहाँ से एक रास्ता आता है नीचे आने का, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब कैफे बने हुए हैं, आगे जाके पास्ता और स्टारबक्स वगैरह भी है। और एंकी अभी अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे और मैं बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। यहाँ पर मैंने पिक्चर्स क्लिक कराए, बहुत अच्छी पिक्चर्स आई हैं। एक बार आप फिर से व्यू देख लीजिए, बहुत सुंदर है गाइस। डन, बातें हो गई? हाँ सब हो गया। उसको भेज दी लोकेशन, उसको लोकेशन चाहिए था, वो भेज दिया मैंने। वो पूछ रहा था मिलने का कि भाभी है कि नहीं है साथ में, मैंने बताया भाभी है साथ में। ऑलराइट, तो मिल रहे हैं हम। तुम पहली बार मिलोगी ना? हाँ, यही आने वाला है बस। ओके, सो गाइस एंकी के फ्रेंड आ चुके हैं और इसका नाम है प्रेमल। प्रेमल हाय कर दो। और ये इंडिया से ही है? हाँ, पुणे से। कहाँ से बता? ये भोपाल से, ठीक है, दाते की जगह से, प्लस उसके बाद ये भाई साहब पुणे में, और उसके बाद रहे हैं सीधे यूके। मुझे पता नहीं वॉइस ठीक से आ रही होगी या नहीं, बट वैसे एंकी आप कहीं भी चले जाओ तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स मिल ही जाते हैं। मैं हर जगह है, ये तो बचपन का दोस्त है, अंडर 15 हम लोग साथ में खेलते थे, 17 साथ खेलते थे। हाँ, और अभी प्रेमल अभी हमें घुमाएगा यहाँ गैलरी, बहुत सुंदर है गैलरिया। गैलरिया कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ है पिकेटली सर्कस और उसके आगे है लेस्टर स्क्वायर। वाओ, ये तो सुंदर लग रहा ना आंकी। हाँ, बहुत अच्छा है। आओ ना, फिलहाल हम कुछ खाने जा रहे हैं गाइस। हम लेस्टर स्क्वायर जा रहे हैं, वड़ा पाव खाने। वड़ा पाव, वड़ा पाव खाने जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद खाने वाले हम वड़ा पाव। दो मुंबई के मिल गए और मेरे को भी वड़ा पाव पसंद है। तुमने बोला था वो भोपाल से है? नहीं, मुंबई भी रहना है, 3-4 साल मुंबई रहा है। हाँ, तो प्रेमल 7-8 साल मुंबई भी रहा है। बट ये स्ट्रीट देखिए गाइस, वाओ, ये पिकाडिली सर्कल है। पिकाडिली सर्कल, सैमसंग का भी ऐड हुआ था, एक बूथ बना दिया था, फोटो बूथ टाइप। उसमें लोगों को बोला अंदर आओ फोटो खींचो तो मैं इंस्टेंटली फोटो मिल जाएगी। हाँ, लोग अंदर गए, उसमें अपनी फोटो खिंचवाई अच्छे से, जैसी बाहर आए तो वो फोटो ये पूरी स्क्रीन पे, इस वाली स्क्रीन में। वाओ, ये स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है ना की। बहुत सुंदर गाइस, ये देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल सी एक लेडी बैठी हुई है। बहुत ही ज्यादा हैपनिंग स्ट्रीट है गाइस ये, और अभी बहुत ज्यादा भूख लग गई है हम लोगों को, तो हम आ गए हैं यहाँ पर, एक है अपना ढाबा करके जो है इंडियन स्ट्रीट फूड मिलता है वहाँ पर। देखिए छोटा सा ही है ये काफ़ी, अपना ढाबा इंडियन स्ट्रीट फूड, और यहाँ पर वड़ा पाव, पाव भाजी और बहुत सारी, मतलब जो भी स्ट्रीट फूड होते हैं स्पेशली मुंबई स्ट्रीट फूड, वो सब कुछ है। तो अभी हम बस बैठेंगे खाने के लिए, एंकी बस अभी ऑर्डर दे रहे हैं और जैसे ही ऑर्डर आएगा हम फट से खा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख है और आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग भी हो गई है, बट इन्जॉय तो करना ही है अब लंदन आए तो। तो फिलहाल खा लेते हैं, उसके बाद जो भी प्लानिंग होगी वो आपको ज़रूर बताऊंगी गाइस। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। मेरे बाल थोड़े से ख़राब हो गए हैं, बट अब खोलूंगी तो फिर पूरा सेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही चला लेती हूँ। कनिका शर्मा बहुत ही अलग ही होगी, वक्ता से बात करनी है। कैसी है जी, स्पाइसी है कि नहीं है? बहुत ही शानदार। तुम्हें अच्छा लगा? मुझे भेल और वो चाउमीन पहली बार जी स्पाइसी खाई, अच्छी लगी मुझे। हाँ, हमने, मैंने तो गाइस ऑर्डर किया था स्पाइसी वेज चाउमीन, इतना ज्यादा स्पाइसी था बट मजा आ रहा था खाने में। और अभी खा लिया, सब कुछ हो गया, अभी बस बहुत ठंड लग रही है क्योंकि हवा और ज्यादा हो गई है। और टाइम क्या हो रहा है? टाइम 9 बज गए।
9 बज गए यहाँ पर, देखिए कितना ज्यादा अभी ब्राइट है, मतलब अंधेरा नहीं हुआ बिल्कुल भी और कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। यहाँ पर लोगों की भीड़ देख के लग थोड़ी ना रहा है कि 9 बज रहे हैं और उजाला देख के। मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, तुम आगे आगे आ रहे हो एंकी। आवाज के लिए आ रहा हूं। मेरे बाल यहाँ से उड़ रहे थे, मैं वॉक कर रही हूँ, हवा आ रही ना तो बाल उड़ रहे हैं। उड़ रहा है पर अब भी उड़ रहे हैं ना। नहीं नहीं अब तो ठीक है, अब सही आया एकदम। मुझे इस लंदन से प्यार हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। हैपनिंग हैपनिंग है ना, वेरी हैपनिंग, वेरी वेरी हैपनिंग प्लेस। गाइस मैं रिकमेंड करूंगी आप सबको, जो भी लंदन आ सकता है एक बार लाइफ में लंदन जरूर आइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी सिटी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी कंट्री है और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल भी है, प्लस बहुत कायदे कानून से रिस्पेक्टफुली भी रहता है। ये बात सही है, ये बात सही है, अच्छे लोग हैं, सही कहती हूँ। वाइफ इज ऑलवेज राइट, वाइफ इज ऑलवेज राइट, दैट्स ट्रू। यार यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कभी रात ही नहीं होगी, क्योंकि इतना हैपनिंग प्लेस है ये, है ना। सही बोल रहे हो, पिकाडिली सर्कल, पिकाडिली, पिकाडिली, पिकाडिली। सो गाइस हम पिकाडिली सर्कल, सॉरी सही है। सो गाइस यस, सो गाइस हम पिकाडिली सर्कल आ गए थे थोड़ा डिनर वगैरह करने के लिए, और हमने सुना था कि ये जो स्ट्रीट है यहाँ की बहुत ज्यादा हैपनिंग है, और सच में हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा हैपनिंग है। मैं आपको इतने अच्छे से तो दिखा नहीं पा रही हूँ ब्लॉग के थ्रू, बट यहाँ पर आके इसको एक्सपीरियंस करना ये एक अलग ही लेवल का यू नो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा। और बहुत ज्यादा क्राउड भी है यहाँ पर, और बहुत मंडे होने के बाद भी इतना क्राउड होना बड़ी बात है। यस आज मंडे है और मंडे होने के बाद भी बहुत ज्यादा क्राउड है, और कितना सुंदर सा प्लेस है ये देखिए आप, बहुत अच्छा है। मेरा बहुत ज्यादा मैंने ये रेड वाली बसेस में बैठने का, बट पता नहीं मेरे को मौका मिल पाएगा या नहीं, अगर मिलेगा तो मैं डेफिनेटली बैठूंगी और पिक्चर्स जरूर करवाऊंगी, वो तो बनता ही है, बनता है। यहाँ पर एक शूट चल रहा है, मतलब एक कपल है, वो लोग अपनी वेडिंग शूट करा रहे हैं, बट काफी इंटरेस्टिंग वे में करा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इनके फोटोग्राफर है, बहुत ही क्यूट कपल है ना एंकी, ये कपल काफी क्यूट है ना, बड़ा अच्छा शूट करा रहा है, शूट भी अच्छा करा रहा है, वो पीछे वाला नहीं मानता कौन अच्छा भैया। तो सुबह से ट्रैवल कर करके अब थक चुके हैं थोड़ा सा, पर मन नहीं कर रहा वापस अपनी यू नो होटल रूम में जाके रेस्ट करने का, बट नहीं थोड़ा सा जाने, क्योंकि सुबह से काफी ज्यादा ट्रैवलिंग करके अब थक गए। लाइट अच्छी आ रही होगी गाइस इसके वजह से, क्योंकि ये बहुत अच्छी सी लाइट दे रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है यार, यार बहुत सुंदर है ये, थोड़ा थोड़ा वैसे ही लग रहा है न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर जैसा, टाइम स्क्वायर जैसा फील दे रहा है, बिल्कुल वैसा ही एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने रूम में बहुत ज्यादा थक गया, अब बस हम करेंगे रेस्ट। मेरा बैक पेन हो रहा है कि आज का मेरा काम हो चुका है खत्म, मैंने उतार दिया जैकेट, मैं कपड़े उतार के मैं नहीं जानता आपको, मैं रहा हूँ सो। एंकी जा रहा है सो, और मैं भी गाइज मैं भी सो रही हूँ, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वैसे तो मैं आपको कर चुकी थी बाय, बट मैंने सोचा क्यों ना आपको एक लाइव अपडेट दे दूं कि मैं पहुंच गई हूं, और अब बाय बाय गाइस, गुड नाइट, आल्सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंकी तुम भी बोल दो, क्योंकि मैं तो पता नहीं कैसे आ रही हूँ। प्लीज गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वाइफ चैनल केजी केजी व्लॉग्स केजी व्लॉग्स। बाय बाय बाय।